यहाँ पे मेरा ऑफिस का काम चालू है, यहाँ पे मेरा बेबी जो है वो सो रहा है। जब मेरा काम होता है ना, तब मेरा बेबी अगर सो रहा है तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा देर तक मुझे स्टार्टिंग का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अदरवाइज वो इतना ज्यादा मेरे को काम के टाइम पे परेशान करते हैं कि मेरे को काम भी करने के लिए नहीं देता है। तो अभी आराम से एटलीस्ट 1 आवर के लिए तो सोई गई थी, जब तक मेरा काम इतना होता है। अदरवाइज मुझे तो रात को 3:30 तक मुझे जागना ही होता है मेरे काम के इसमें। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद। चाय भी हो रहा है, तो चलिए मैं पहले ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, 1 को जाम लगा लिया है और 1 ऐसी ही है, चाय लिया है एंड 3 बिस्किट्स लिए हैं मैंने। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं अब। सो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन जो है वो क्लीन कर लिए अभी, एंड अभी मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर। सो बर्तन जो है वो मेरे क्लीन हो चुके हैं एंड अभी मैं लंच का प्रिपेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी जो है वो अच्छे से धो के रख ली है, अभी इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा वो मस्ती खोर बेबी मेरा, जिसकी नींद हो चुकी है पूरी और अब वो उधम मचाने के लिए रेडी हो चुका है। देखिए देखिए, थोड़ा सा भी रुक रहा है क्या? जो भी सामान रखा होता है सब निकाल देते।
देख रेडी 1 2 3 कार्टून देखने में बिजी है। तो मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भाजी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है जिसमें मैं ऑनियंस डाल दे रही हूँ। ऑनियंस को हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। अभी ये जो है खड़ा होना स्टार्ट किया है। सी विदाउट सपोर्ट माय बेबी जस्ट थोड़े सेकंड्स के लिए खड़े होता है बट खड़े होता है। इट इज सो सैटिस्फाइंग। इतना अच्छा लगता है उसको ऐसे देख के। ये पूरा पसारा निकालेगा। सो यहाँ पे मेरे ऑनियंस जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ हमारे कट किए हुए भिंडी। एकदम सिंपल सा भाजी बना रही हूँ मैं। तो इसे 2 मिनट के लिए हम ऑयल में ऐसी टॉस कर लेंगे। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। भिंडी फ्राई आप वो चेकआउट कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए इसे ऑयल में हम टॉस कर लेंगे। सो ये रहा अभी स्पाइस का डब्बा। आई होप कि हर एक इंडियन हाउस में ऐसे स्पाइस का डब्बा आपको मिलेगा। तो मैं इसमें से ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हल्दी। नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कीजिएगा आपके। इसके बाद थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है एंड थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड लास्ट में रेड चिली पाउडर। ये भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारे भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते। ये देखिए इसका अपना अलग ही चालू है। वो एक ही हॉटपॉट को लेके खेल रहा है तब से। देखा एक ही बोला तो उसने दूसरा निकाला। तो आज इस वीडियो का यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो। और अगर ऐसे ही व्लॉग्स आगे भी आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे सेफ गाइस, बाय बाय। सो अभी बज रहा है शाम के 5:30, ऑलमोस्ट इससे 5 मिनट बचा है। एंड अभी मेरा शिफ्ट का भी टाइमिंग हो रहा है। 6:30 से मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने मेरे बेबी के लिए सेरेलैक रेडी कर दिया है। यहाँ पे देखिए वो भी खाने के लिए रेडी बैठा है। तो अभी इसको खिला के फ्रेश कर देती हूँ फिर काम स्टार्ट करते हैं।